सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में, नेवरी परिवार में, और स्वागत करने के लिए तैयार हमेशा की तरह आपका होस्ट, आपका दोस्त विजेंद्र सिंह नेवरी। मित्रों, आज अपन बात कर रहे हैं रणथंभौर के चौहान राजवंश की। अपन ने पृथ्वीराज तक की यात्रा देखी कि किस प्रकार से जो आपका मोहम्मद गोरी था, उस गोरी के समय पृथ्वीराज चौहान है, वहां तक बातें अपन ने कर ली कि पृथ्वीराज चौहान 1192 ईस्वी के अंदर त्राइन के द्वितीय युद्ध के अंदर पराजित हो जाते हैं और उसके बाद भारत के अंदर तुरक सत्ता स्थापित हो जाती है। साथियों, जैसे ही अपन यहां बात करें कि ये अपने राजस्थान की स्थिति है, ये आप देख पा रहे हैं, ये अपना राजस्थान देखा अपन, यहां अजमेर के अंदर पृथ्वीराज चौहान जो है उनकी यहां पर हो जाती हार। इनकी हार के बाद में एक निश्चित था कि यहां कोई ना कोई तो आएगा, भले मर्जी कोई अधीनता स्वीकार करने वाला है। इन पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद में यहां का साम्राज्य जो था वो इनके पुत्र गोविंद राज को सौंप दिया जाता है। मित्रों, यहां गौर कीजिएगा आप एक बात के ऊपर, गोविंद राज पृथ्वीराज चौहान का पुत्र था, यह अपन ने पढ़ा है। अब गोविंद राज को यहां का राजकाज सौंप दिया जाता है और ये पूरा का पूरा मामला मोहम्मद गोरी के अधिकार क्षेत्र में, और गोरी के अधिकार क्षेत्र में बोलने का मतलब क्या समझेंगे अपन, भाई गोरी जो था उसका गुलाम कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, ऐबक के अधिकार क्षेत्र में। अब ऐबक वापस चला जाता है कहां, दिल्ली। भाई ये अपन ने पढ़ा पृथ्वीराज चौहान है ये किससे हारे, मोहम्मद गोरी से। गोरी का गुलाम कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। इनडायरेक्ट रूप से सत्ता यहां किसकी होगी अजमेर पर, ऐबक की। ऐबक की अधीनता किसने स्वीकार कर ली, गोविंद राज ने। ऐबक कहां चला गया, दिल्ली। दिल्ली जाने का मतलब पीछे से कौन, गोविंद राज। बाकी चौहान सामंतों ने और पृथ्वीराज चौहान के भाई हरिराज ने कर दिया विद्रोह। विद्रोह करने के बाद पता चला ऐबक को, ऐबक वापस आता है और गोविंद राज को यहां का एक छोटा सा, सॉरी इधर ज्यादा हो गया, यहां का एक छोटा सा साम्राज्य है ये दे देता है। और इस वाले स्थान का नाम मित्रों इतिहास में आज भी अपन पढ़ रहे हैं रणथंभौर। प्रश्न बनेगा कि रणथंभौर का चौहान राजवंश, जो रणथंभौर की ब्रांच है, वो कहां से निकल के आई, तो आपका उत्तर बनेगा अजमेर के चौहान राजवंश की ही शाखा है रणथंभौर के चौहान राजवंश। तो याद रखना है रणथंभौर का चौहान राजवंश। इस रणथंभौर के चौहान राजवंश का मित्रों संस्थापक आपसे पूछा जाएगा तो आपका उत्तर आएगा गोविंद राज चौहान। प्रश्न आ सकता है सीधा सीधा, क्या आ सकता है कि रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन है, तो आपका उत्तर आएगा गोविंद राज चौहान। गोविंद राज चौहान किसका पुत्र है मित्रों, पृथ्वीराज चौहान का, और इसने इन तुर्कों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। यानी मैं यूं कहूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, उस कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन गोविंद राज ने रणथंभौर में जाकर के रणथंभौर के जो चौहान शाखा है इसको शुरू किया। तो याद रखिएगा रणथंभौर के चौहान शाखा का जो संस्थापक है वो कौन है, गोविंद राज चौहान। एक मिनट के लिए मैं स्तुति देख लेता हूं, आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा। अब साथियों देखिएगा, यहां से अपनी कहानी आगे चलेगी कि रणथंभौर है इसकी शाखा पर कौन संस्थापक रहा, तो गोविंद राज चौहान। कौन रहा, गोविंद राज चौहान रहा। मित्रों अब अपने को जो बातें याद रखनी है वो कौन कौन से रखनी, दोनों समानांतर चलेंगी। एक अपन बात करते चलेंगे साथियों दिल्ली की, एक अपन बात करते चलेंगे रणथंभौर की। दिल्ली के ऊपर कौन था मित्रों, दिल्ली पे था गोरी। गोरी के बाद अब गुलाम वंश शुरू होगा और गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा। ऐबक के बाद में इल्तुतमिस आएगा। ऐबक के बाद मित्रों कौन आएगा, इल्तुतमिस आएगा। और इल्तुतमिस को इतिहास में कहा जाता है गुलामों का गुलाम। क्यों कहते हैं गुलामों का गुलाम, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक था मोहम्मद गोरी का गुलाम और ऐबक का गुलाम कौन, इल्तुतमिस, इसलिए इसे कहा जाता है गुलामों का गुलाम। इल्तुतमिस के बाद में उत्तराधिकार संघर्ष छिड़ता है और मुख्य रूप से अपन जिसका नाम लेते हैं रजिया सुल्तान, यानी मध्यकाल के अंदर एकमात्र जो महिला शासिका थी वो रजिया थी। कौन थी, रजिया थी। रजिया के बाद में मुख्य शासक के रूप में मित्रों कौन आता है, बलबन आता है।
यानी यहां मैं बीच में रुकुद नुरुद्दीन वगैरह उनकी बात नहीं करूंगा, यहां मैं मुख्य मुख्य शासकों की, और बलबन के बाद में ट्यूमर्स वगैरह आते हैं जाते हैं। और अब मित्रों अब आ जाता है आपका कौन, जलालुद्दीन खिलजी, और जलालुद्दीन खिलजी के बाद में अलाउद्दीन खिलजी। यहां तक की बातें याद रखनी है, और यहां तक की बातों में अपना रणथंभौर के चौहान वंश से इनका जो संबंध है वो सारा स्पष्ट होता चला जाएगा। एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को और आगे चल रहे हैं। अब मित्रों रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन है, गोविंद राज चौहान, देखते चलिए। यानी यहां मैंने लिखा गोविंद राज चौहान रणथंभौर की चौहान शाखा का संस्थापक, गोविंद राज चौहान के बाद में मित्रों वल्लन देव, यहां से इतना ही बात याद रखना है। गोविंद राज के समकालीन कौन है, गौरी सूर्यवक, तो इस वल्लन देव के समकालीन कौन होगा, इल्तुतमिश। यानी याद रखना है कि इस समय इल्तुतमिश का आक्रमण, इल्तुतमिश का रणथंभौर पर आक्रमण, इतना ही याद रखना है। इल्तुतमिश का रणथंभौर पर क्या होता है मित्रों, आक्रमण, और उस आक्रमण में वजह क्या थी, भाई यहां तो अधीनता स्वीकार थी, वल्लन देव ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करनी चाहिए, और उसका परिणाम निकला कि इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर आक्रमण कर लिया। चलो कोई बात नहीं, कर लिया। अब इसके बाद में आगे की कहानियां क्या बनती है मित्रों, देखिए आगे चल के एक प्रहलाद नाम का शासक आता है, कोई विशेष प्रश्न नहीं है, ज्यादा कोई विशेष शासक नहीं है। उसके बाद में मित्रों वीर नारायण आता है, कोई विशेष प्रश्न नहीं है वीर नारायण से भी, फिर गुरुजी चर्चा क्यों कर रहे हो, बाई चांस आ जाए, क्रम आ जाए किसी परीक्षा में, ठीक है। अब अपन ने तो पढ़े ने प्रहलाद वगैरह, अपन ने गोविंद राज चौहान पढ़ा है, और आगे चल के सीधा हमीर देव चौहान, यही तो पढ़ा है ना, हमीर जो अपनी हट के लिए जाना जाता था, कि सिंह गमन सत पुरुष बचन कदली फलत एक बार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, चढ़े ना दूजी बार, वो हमीर है ना। तो सिंह गमन सत पुरुष बचन कदली फलत एक बार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, चढ़े ना दूजी बार, जो अपनी हट के लिए जाना जाता था, उसी प्रकार आप भी हट कर लें, आप भी जिद कर लें, आप भी जुर्म के साथ लग जाए, जो पक्की है। चलिए चलते, मैं बात कर रहा था वल्लन देव, प्रहलाद, वीर नारायण। अब मित्रों एक आता वाघ भट्ट, प्रश्न आएगा यहां से, वाघ भट्ट चौहान, सीधा सीधा प्रश्न बनेगा इस समय क्या मित्रों, इस समय दिल्ली सल्तनत की स्थिति डावाडोल थी, इल्तुतमिश मर चुका था इसके समय, इसके पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष चला, और इसी दौरान रजिया दिल्ली की गद्दी पे बैठ गई। कहते हैं कि रजिया अगर महिला नहीं होती तो इसका नाम आज महान शासकों के अंदर लिखा जाता, रजिया अगर महिला नहीं होती तो, इसका मतलब महिला के रूप में भी ये बहुत अच्छी शासिका सिद्ध हुई। इसके बाद मित्रों अब रजिया बन गई, तो वाघ भट्ट के समय प्रश्न आ सकता है, रजिया द्वारा बलबन के नेतृत्व में रणथंभौर पर असफल आक्रमण, यानी इस समय रजिया थी, उस रजिया के द्वारा बलबन को बार बार भेजा गया रणथंभौर को अपने अधीन करने के लिए, लेकिन रणथंभौर है वो रजिया के हाथों में नहीं आता, अंततः रजिया थकती है, हारती है, और उसने रणथंभौर को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने का जो विचार है वो विचार मित्रों अब छोड़ ही दिया। तो याद रखना है रजिया द्वारा मलिक कुतुबुद्दीन हसन गोरी, गलती होगी, मिसप्रिंट, थोड़ा सा माफी चाहूंगा मैं, रजिया के द्वारा मलिक कुतुबुद्दीन हसन गोरी, मलिक कुतुबुद्दीन हसन गोरी के द्वारा कई बार असफल आक्रमण होते हैं लेकिन सफल नहीं होते। अब साहब इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में अब रजिया के बाद में आगे चले एक और शासक यहां पे आएगा, नसीरुद्दीन महमूद, और इस नसीरुद्दीन महमूद के समय
बलबन आता है बार बार आक्रमण करने के लिए। कहां पे आता है? रणथंभौर पे आता है। तो याद रखना है गोविंद राज चौहान, वल्लभ देव, प्रहलाद, वीर नारायण, वाघ भट्ट, ये मुख्य बात। वाघ भट्ट के समय रजिया द्वारा मलिक कुतुबुद्दीन हसन गोरी के द्वारा रणथंभौर पर कई बार असफल आक्रमण किए जाते हैं। उसके बाद में नसीरुद्दीन शाह, शाह का नाम है महमूद, ये जब शासक बनता है तब इसके द्वारा भी बलबन को काफी बार भेजा जाता है आक्रमण करने के लिए, लेकिन सभी आक्रमणों में इन तुर्कों को असफलता ही मिलती है। अब मित्रों क्या होगा, अब आगे बात करेंगे, अब आएगी मुख्य काम की बात। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, इनके आक्रमण होते हैं और किस प्रकार से हमीर देव चौहान के साथ इनका संघर्ष चलता है, कहानी के लिए बने रहिए, देखते रहिए। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो, चले आगे चलते हैं। अब मित्रों देखिएगा, यहां गोविंद राज चौहान की बात की अपन ने, फिर वल्लभ देव की बात की, प्रहलाद, वीर नारायण, वाघ भट्ट, ये याद रखना है। वाघ भट्ट चौहान चौहानों की किस शाखा से था? तो मित्रों याद रखेंगे, वाघ भट्ट चौहान चौहानों में रणथंभौर की शाखा से था। अब क्या होगा, वाघ भट्ट चौहान के बाद में एक जेत्र सिंह नाम आता है, काफी आपने सुना होगा, जय सिम्हा जिसे कहा जाता है, यानी याद रखें जय सिम्हा या जेत्र सिंह। और इसी जेत्र सिंह का मित्रों छोटा पुत्र था जिसका नाम आता है हमीर देव चौहान। हमीर सिसोदिया भी आता है, लेकिन ये कौन है मित्रों? हमीर देव चौहान है। अब याद क्या रखना है, हमीर देव चौहान, हमीर देव चौहान जब शासक बना, ये 1282 में शासक बन गया था, 1282 से लेके 1301 तक है। हमीर देव चौहान जब शासक बना इसके समय गुलाम वंश पतन की ओर था, ये बात याद रखनी। हमीर देव चौहान जब शासक बना उस समय गुलाम वंश का पतन हुआ और इसी समय नेक्स्ट राजवंश जिसको अपन कहते हैं खिलजी वंश का उदय हुआ। गुलाम राजवंश का पतन और खिलजी राजवंश का उदय, ये दोनों किसके समय की घटनाएं हैं? हमीर देव चौहान। प्रश्न बनेगा कि हमीर देव चौहान की जानकारी हमें कहां कहां से मिलती है? तो ये दोनों तो नाम वैसे याद रहेंगे, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, इनको मैं मिटा देता हूं। अब मित्रों देखिएगा, हमीर संबंधी जानकारियां हमें कहां कहां से मिलती, यानी मैं यहां लिख सकता हूं हमीर देव चौहान की जानकारी कहां कहां से मिलती। एक नंबर पे मित्रों आता है हमीर महाकाव्य। प्रश्न बनेगा हमीर महाकाव्य किसने लिखा? नयन चंद्र सूरी। मैं लिखूंगा नहीं, आप नोट करेंगे, नयन चंद्र सूरी। इसके बाद मित्रों हमीर रासो, हमीर रासो किसने लिखा? जोधराज ने। एक देखिएगा हिंदी साहित्य का हमीर रासो सारंगधर का भी आता है, वो इस हमीर रासो से अलग है। यहां पर बात कर रहे हैं जो हमीर देव चौहान है इसके शासन वगैरह के बारे में जानकारी देने वाला हमीर रासो जोधराज। किसका है? जोधराज। सारंगधर का जब हिंदी साहित्य की बात आती है, जब हिंदी साहित्य के विद्यार्थी पढ़ते हैं, ठीक है, आरपीएससी के द्वारा चाहे सेकंड ग्रेड का एग्जाम लिया जाए, जहां सब्जेक्ट की बात आती है हिंदी साहित्य की, वहां एक सारंगधर के द्वारा भी हमीर रासो लिखा गया। तो ये किसके द्वारा? जोधराज के द्वारा है। इसके बाद में मित्रों हमीर हठ, हमीर हठ ये किसके द्वारा? चंद्रशेखर के द्वारा। एक चंद्रशेखर ने मित्रों सुरजन चरित भी लिखा, सुरजन चरित ये भी किसने लिखा? चंद्रशेखर ने। एक आता है मित्रों हमीर बंधन, हमीर बंधन ये आपको नाम याद नहीं रहेगा, मैं लिख देता हूं अमृत कैलाश। प्रश्न आए कि हमीर बंधन ये किसका लेख है, किसकी पुस्तक है, किसकी रचना है? तो मित्रों आपको याद रखना है अमृत कैलाश की। किसकी है? अमृत कैलाश की। हमीर महाकाव्य ये नयन चंद्र सूरी, हमीर रासो किसका है? जोधराज का। हमीर हट किसका है? चंद्रशेखर का। सुरजन चरित किसका है? चंद्रशेखर का। और हमीर बंधन मित्रों किसका है? अमृत कैलाश का। इन सभी से हमें क्या मिलती है? इन सभी से हमें हमीर देव चौहान की जानकारियां मिलती है। चलो ठीक है,
अब जैसे ही हमीर शासक बनते हैं, युवा थे, जोश था, जुनून था इनमें, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इस जोश और जुनून के सहारे मित्रों आगे की कहानियां किस प्रकार बनती देखिएगा। हमीर देव चौहान शासक बने, शासक बनते ही पहला काम इन्होंने क्या किया, दिग्विजय की नीति बनाई। और मित्रों दिग्विजय की नीति के तहत इन्होंने अपने आसपास के सभी क्षेत्रों को विजित किया। मैं यूं कह सकता हूं, ये जो आप रणथंभौर देख रहे हैं, ये वाला यहां रणथंभौर था, इस रणथंभौर में इस आसपास वाले पूरे इलाकों को जीता, जीतने के बाद दक्षिण की ओर बढ़े, दक्षिण की ओर बढ़ने के बाद इन्होंने मालवा जो क्षेत्र था, इस मालवा क्षेत्र के एक शासक हुआ करते थे अर्जुन, उस अर्जुन सिंह को हराया। उसके बाद में भोज के अंदर परमार शासक जो भोज था, उज्जैन की तरफ धार की तरफ गए और परमार शासक भोज को पराजित किया। इसके बाद में वापस ये उत्तर की ओर बढ़ते हैं और इन सभी क्षेत्रों को जीतते हुए वापस कहां आ जाते हैं, अपने रणथंभौर आ जाते हैं। यानी शासक बनते ही कौन सी नीति अपनाई, दिग्विजय की नीति अपनाई, यानी बहुत सारे क्षेत्रों को इन्होंने मित्रों क्या कर लिया, आपका जीत लिया। याद रखना है इस दिग्विजय की नीति के तहत भीमरस यानी मालवा, मालवा के शासक अर्जुन को पराजित किया, अर्जुन को पराजित किया मुख्य रूप से, इसके बाद में परमार शासक भोज को पराजित किया, परमार शासक भोज को पराजित किया। यानी याद रखना है मित्रों ये दोनों ही बात कि दिग्विजय की नीति के तहत भीमरस के शासक अर्जुन को हराया, उसके बाद में परमार शासक भोज को भी हरा दिया। चलो कोई बात नहीं, हरा दिया। जैसे ही इन शासकों को हराते हैं, आने के बाद में एक यज्ञ करवाते हैं और यज्ञ का जो नाम था, देखिएगा यज्ञ कई प्रकार के हुआ करते थे, उन यज्ञों में एक यज्ञ हुआ करता था कोटि यजन यज्ञ। कौन सा? कोटि यजन। तो यज्ञ का आयोजन याद रखना है, यज्ञ का आयोजन करवाया जाता है और यज्ञ का नाम क्या है, कोटि यजन यज्ञ। सीधा सीधा याद रखना, प्रश्न बनेगा इस कोटि यजन यज्ञ में पंडित की भूमिका में कौन थे। मित्रों इसमें पंडित थे विश्व रूप। प्रश्न आ सकता है कि हमीर देव चौहान ने जब दिग्विजय की नीति के तहत कई क्षेत्रों को विजित किया, इसके बाद में कौन सा यज्ञ करवाया, कोटि यजन यज्ञ करवाया, और इस यज्ञ में पंडित की भूमिका में कौन थे, तो मित्रों विश्व रूप थे, वो पंडित की भूमिका में थे। यज्ञ करवा दिया कोई दिक्कत नहीं। इसके हम कहें हमीर देव चौहान की इस बढ़ती हुई शक्ति को देखकर दिल्ली सल्तनत पर ताजा ताजा काबिज हुआ जलालुद्दीन खिलजी चिंतित हुआ। चिंतित होना स्वाभाविक था कि उनके भी किले के अंदर कहीं सेंधमारी ना हो जाए। और जलालुद्दीन खिलजी वैसे शांत स्वभाव का था, वृद्ध व्यक्ति था, लेकिन लगातार हमीर की उपलब्धियों से, बढ़ती हुई उपलब्धियों से वो घबरा गया और उसने सोचा कि क्यों नहीं अपन लोग हैं रणथंभौर पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। अब रणथंभौर पर आक्रमण करेंगे तो उससे पहले एक रणथंभौर की कुंजी जिसे कहा जाता है झाइन दुर्ग। कौन सा दुर्ग? झाइन। इतिहासकारों ने इसे चाइन भी लिखा है, झान भी लिखा है, लेकिन आप याद रखिएगा झाइन दुर्ग है। उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए जलालुद्दीन खिलजी की सेना तैयार हो जाती है और किस प्रकार वो झाइन के दुर्ग को तो विजित कर लेती है, लेकिन उसके बाद रणथंभौर जो दुर्ग था उस दुर्ग के चारों ओर घेरा डाला जाता है, लगातार घेरा डाले रखा, लेकिन हमीर की सेना के सामने उनकी नहीं टिक सकी सेना। लगातार घेरा डालने के बाद भी जब उनको लगा कि हमीर हमारे हाथ का नहीं है, तब वो वापस दिल्ली जाने जाते हैं और जाता जाता जलालुद्दीन खिलजी एक बात कह के जाता है। क्या बात? ये कह के जाता है कि मैं ऐसे दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। यानी प्रश्न आ सकता है कि किसने किस दुर्ग के बारे में फला कथन कहा। याद रखना है मित्रों रणथंभौर दुर्ग के बाकी कथनों के बारे में तो अपन दुर्ग के बारे में जब पढ़ेंगे तब विस्तार से चर्चा करेंगे दुर्ग की क्या क्या विशेष बातें हैं, लेकिन यहां एक कथन याद रखना है कि जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था रणथंभौर दुर्ग के बारे में, क्या कहा था, कि मैं
ऐसे 10 दुर्गों की कीमत भी मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। हालांकि उस बात से कहीं स्पष्ट नहीं होता कि जलालुद्दीन जो खिलजी था वो खिलजी जानबूझ के यहां से गया था। कहते हैं कि उसको पार नहीं पड़ी उसकी, अंगूर खट्टे वाली बात, लोमड़ी कहते हैं ना अंगूर खट्टे नहीं खाने, वो बात जलालुद्दीन खिलजी ने यहां पे की। तो मित्रों याद रखेंगे, ये शासक बने, शासक बनते ही दिग्विजय की नीति अपनाए, यज्ञ का आयोजन करवाया, यज्ञ को कोटि यजन यज्ञ के रूप में जाना जाता है, और पंडित की भूमिका में कौन थे, विश्वरूप थे। कौन थे मित्रों, विश्वरूप थे। अब देखिएगा आगे की कहानियां क्या होती हैं, किस प्रकार आगे की कहानी चलती है, देखते चलिए, बने रहिए और फटाफट लाइक कर दें और शेयर कर दें, ठीक है। तो अपन बात कर रहे हैं हमीर देव चौहान। अब मित्रों क्या होता है, 1290-91 की बातें याद रखना है। जाइन दुर्ग पर जलालुद्दीन खिलजी, का सफल आक्रमण। जैसे ही ये समाचार मिलता है मित्रों, किसको ये समाचार मिलता है, हमीर देव चौहान क्या करते हैं, अपने एक सेनापति को भेजते हैं, सेना को भेजते हैं, और इसी युद्ध में याद रखना है, इससे युद्ध में गुरदास सैनी हमीर देव की ओर से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अब प्रश्न बनेगा, हालांकि ऐसा आएगा नहीं बाई चांस आज, कि इस युद्ध में जलालुद्दीन खिलजी की तरफ से कौन लड़ रहा था, मल्लिक खुर्रम भी लड़ रहा था और एक कुर्बेग आलम भी लड़ रहा था, लेकिन ये डीपली प्रश्न हो जाएगा, फर्स्ट ग्रेड वाले स्पेशल नोट कर ले भले मर्जी इस बात को, सेकंड ग्रेड वाले नोट कर ले कि यहां प्रश्न अगर आ जाए कि इस युद्ध में जलालुद्दीन खिलजी की तरफ से कौन लड़ रहा था, मल्लिक खुर्रम को कुछ नहीं होता है, हमीर देव की तरफ से गुरदास सैनी आता है और गुरदास सैनी है वो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते। अब इसी के आगे बढ़ते 1291 कई जगह आपको मिलेगा 92, दोनों में ऐसा कोई प्रश्न नहीं आएगा, क्रम से प्रश्न आ सकते हैं, पहले जाइन द्रुप पे, बाद में कौन से द्रुप पे, तो मित्रों याद रखिएगा रणथंभौर पर जलालुद्दीन खिलजी का असफल आक्रमण। असफल लिखा है मैंने, लगातार कई दिनों तक देखते रहे पार पड़ी नहीं, तब जाते जाते कथन कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। कहने का मतलब अंगूर खट्टे वाली बात, आया था नहीं हाथ में फिर का समझता नहीं समझता। अब साहब ये बात कही किसने, ये बात कही जलालुद्दीन खिलजी ने, कौन से दुर्ग के बारे में, रणथंभौर दुर्ग के बारे में। और ऐसे चलते चलते 1296 के अंदर जलालुद्दीन खिलजी का दामाद, जलालुद्दीन खिलजी का भतीज, वो क्या करता है, वो जलालुद्दीन खिलजी को मार देता है। और जलालुद्दीन खिलजी को जैसे ही मारता है, अब दिल्ली की सत्ता कौन हथिया लेता है, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं अपन आगे। शाबाश, वेरी गुड, चले आगे चलते हैं। हाँ, यानी अब अपन बात करेंगे हमीर देव चौहान व अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। यानी हमीर देव जो चौहान था उनका दिल्ली सल्तनत के साथ क्या रिलेशन था, हमीर देव चौहान व दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में स्पेशल कौन, अलाउद्दीन खिलजी। पहली बात तो ये रही कि इन दोनों के मध्य क्या रहा, संघर्ष रहा। आखिर इन दोनों के मध्य
संघर्ष की वजह क्या थी? नंबर एक बात थी संघर्ष की वजह, साम्राज्य विस्तारवाद की नीति, साम्राज्य विस्तारवाद की नीति। अलाउद्दीन खिलजी खुद अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था, और इधर बात करें अपन हमीर देव चौहान, ये भी अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे। नंबर दो, अलाउद्दीन खिलजी ने कर लेना शुरू कर दिया और हमीर देव चौहान कर देना नहीं चाहता था। नंबर दो बात हमीर देव द्वारा अलाउद्दीन खिलजी को कर नहीं देना, याद रखना ही कारण है। प्रश्न आ सकते हैं निम्न में से कारण नहीं है कौन से, ये दोनों के मध्य संघर्ष के कारण। पहला कारण साम्राज्य विस्तारवाद की नीति, नंबर सेकंड कारण हमीर देव द्वारा अलाउद्दीन खिलजी को कर नहीं देना। चलो कोई बात नहीं, हो गया कारण। नंबर तीन, रणथंभौर दुर्ग की अपराजेता, यानी रणथंभौर जो दुर्ग था वो अभी तक पराजित नहीं हुआ था, हारा नहीं था, ये उसका था। नंबर चार था दिल्ली से रणथंभौर की निकटता, दिल्ली से रणथंभौर की निकटता, ये भी कारण था। और नंबर पांच जो कारण था, अब वो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, हालांकि कारण ये भी सारे महत्वपूर्ण ही है, ये भी साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था, हमीर देव द्वारा अलाउद्दीन खिलजी को कर नहीं देना भी कारण था, दुर्ग की अपराजेता भी एक कारण था, विस्तारवादी नीति के बाद दिल्ली से रणथंभौर की निकटता, यह भी एक कारण था। अब अगला कारण है मंगोल विद्रोहियों को हमीर द्वारा शरण देना, ये तात्कालिक कारण रहा। इन सभी कारणों के कारण, ये सारे के सारे फैक्टर थे, सारे के सारे कारण थे जो इन दोनों के रिलेशन को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे थे। याद रखिएगा, साम्राज्य विस्तारवाद की नीति, हमीर देव द्वारा अलाउद्दीन खिलजी को कर नहीं देना, दुर्ग की अपराजेता, दिल्ली से रणथंभौर की निकटता, और मंगोल विद्रोहियों को हमीर के द्वारा क्या देना, शरण देना। देखिएगा किस प्रकार शरण दी जाती है और किस प्रकार से इन दोनों के मध्य युद्ध होता है, और रणथंभौर जो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और रणथंभौर जो दुर्ग था उस दुर्ग का किस प्रकार से पतन होता है। देखिएगा साथियों, अब अपने को यहां बातें याद रखनी है, क्या ये दिल्ली यहां रणथंभौर, ये यहां गुजरात, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली से भेजा एक अभियान, इस अभियान को मित्रों कहते हैं गुजरात अभियान। दिल्ली से सारे के सारे सैनिक गुजरात जाते हैं, गुजरात को लूटते हैं, और गुजरात को लूटकर वापस आते हैं। वापस जब आते हैं, और यहां एक बात ये भी याद रखना है, इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, नेतृत्व उलुग खां व नुसरत खां, यानी इस पूरे काफिले का नेतृत्व कौन कर रहे थे, उलुग खां और नुसरत खां कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं। जब जैसे ही वापस आ रहे थे, यहां जो आपका यह क्षेत्र है दक्षिण पश्चिमी रास्ता, यहां आके इनमें धन बंटवारे को लेकर विवाद, और जब विवाद होता है तब यहां से दो व्यक्ति, याद रखना है दो व्यक्ति, एक का नाम था मोहम्मद शाह और मित्रों एक का नाम था केहब्रू खां,
के है ब्रू खान, ये दोनों याद रखने, मोहम्मद शाह है के है ब्रू खान, और ये दोनों के दोनों यहां से भाग करके और मित्रों कहां आ जाते हैं, रणथंभौर आ जाते हैं, और रणथंभौर आकर के और किसके पास शरण ले लेते हैं, हमीर देव चौहान के पास, चौहान के पास शरण ले लेते हैं। ये मंगोल थे जो तुरंत अभी नवीन मुसलमान बने थे धर्म परिवर्तित करके, मोहम्मद शाह और केब्रू खान, ये दोनों भक्के कहा जाते हैं रणथंभौर, और रणथंभौर में शरण कौन दे देते हैं, हमीर देव चौहान। और शरणागत की रक्षा करना, पुराने राजा पुराने क्षत्रिय अपना धर्म समझते थे कि हमारे पास अगर कोई आया है शरण लेने के लिए तो उसकी रक्षा करेंगे, उसे हम वापस से शत्रु को नहीं सौंपेंगे। ये आगे अब इतिहास में थोड़ा ट्विस्ट लाने के लिए, इतिहास को रोचक बनाने के लिए इतिहासकार एक कहानी और कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि इस बेगम जो थी, बोले तो अलाउद्दीन खिलजी की बेगम, जिसका नाम था चिमना, उस चिमना से प्यार हो गया मोहम्मद शाह को। जब मोहम्मद शाह को चिमना से प्यार हुआ तो मोहम्मद शाह और चिमना ने मिलकर एक प्लानिंग की, मैं नहीं कह रहा इतिहास कह रहा है कि प्लानिंग की कि कैसे जैसे करके अलाउद्दीन खिलजी को सलटाया जाए, मारा जाए। अखबार में पढ़ते हैं ना कि प्रेमी के संग मिलकर पति की हत्या, तो ये प्रेमी के संग मिलकर पति की हत्या करने का पूरा प्लान था। प्लान तो था लेकिन इस प्लान की भनक लग गई अलाउद्दीन खिलजी को, और अलाउद्दीन खिलजी इसको कैद करना चाहता था। ये भक्के किसके पास आ गया, ये आ गया हमीर देव चौहान के पास। लेकिन इस घटना का ज्यादा कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता। प्रमाण ये याद रखना है, मोहम्मद शाह केब्रू का इस धर्म बंटवारे को लेकर जो विवाद हुआ, उस विवाद को लेकर के आपका रणथंभौर आ गया। जैसे ही ये सूचना मिलती है किसको, ये सूचना मित्रों मिलती है अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, रणथंभौर पर आक्रमण करने का प्लान बनाता है, और रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए आप लिखते जाना, रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए वापस से उलुग खां व नुसरत खां को भेज देता है। किसको भेज रहा है, उलुग खां व नुसरत खां को भेजता है कि जाइए और रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण कीजिए। उलुग खां और नुसरत खां दोनों आ जाते हैं, आक्रमण करते हैं। इस समय जो आपका हमीर थे ये मुनि व्रत में लीन थे। ये क्या करते हैं, एक भीम सिंह और एक धर्म सिंह, याद रखना है, भीम सिंह व धर्म सिंह इन दोनों को भेजते हैं तुर्कों की सेना का मुकाबला करने के लिए। इधर से कौन गए, भीम सिंह, चलो मैं लिख देता हूं, यहां तक याद होगी, हमीर देव चौहान के पास शरण ले लेते हैं, कौन ले लेते हैं, मोहम्मद शाह व केहब्रू खां। अब मित्रों क्या होता है, अब मैं यूं कह सकता हूं कि नुसरत खां व उलुग खां द्वारा आक्रमण, और इस आक्रमण का इधर से सामना किसने किया, भीम सिंह और धर्म सिंह ने, ये दोनों सामना करते हैं, और इसमें कोई निर्णायक सा काम नहीं होता है। भीम सिंह है ये युद्ध स्थल पे काम आ जाते हैं, दोबारा से अब नुसरत खां और इनका दोबारा आक्रमण होता है, दोबारा आक्रमण हुआ और दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया गया। घेरने के बाद दुर्ग से भी पत्थर बरसाए, और उस पत्थर बरसाने के दौरान नुसरत खां मारा गया। जैसे ही नुसरत खां के मरने का समाचार मिलता है अलाउद्दीन खिलजी को, अलाउद्दीन खिलजी खुद सेना लेकर के चल पड़ता है किधर, रणथंभौर की। याद रखना है नुसरत खां मारा गया, और नुसरत खां के मारे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नुसरत खां के मारे जाने के बाद अब अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है मित्रों, अब अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर की तरफ आ जाते हैं। याद रखना है नुसरत खां मारा गया है, उलुग खां नुसरत खां ये किसके सेनापति थे, ये अलाउद्दीन खिलजी के थे। अब नुसरत खां जैसे ही मारा गया, अब अलाउद्दीन खिलजी है, यानी अलाउद्दीन खिलजी है ये मित्रों किधर आता है, रणथंभौर की तरफ आता है। रणथंभौर जो दुर्ग था,
इस ध्रुव के चारों तरफ घेरा डाल लिया जाता है, और घेरा डालने के बाद में लगभग एक साल तक घेरा रहा। एक साल तक जब घेरा रहा, अलाउद्दीन खिलजी के इस दौरान बहुत सारी समस्या आई। पीछे से इनके जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों के अंदर भी बगावत के सुर निकल पड़े, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी हटा दे। अब अलाउद्दीन श्याम दाम दंड भेद की नीति अपनाता है। इधर हमीर देव चौहान के सेनापति थे, एक का नाम था रतिपाल, एक का नाम था रणमल। रतिपाल और रणमल ये दोनों विश्वस्त सेना नायक थे हमीर देव चौहान के। एक संधि प्रस्ताव की बात मान ले, या कैसे भी करके समाचार पहुंचाया जाता है हमीर देव चौहान के पास कि आप संधि कर ले। तब संधि करने के लिए रतिपाल जाता है अलाउद्दीन खिलजी के पास, और रतिपाल को अलाउद्दीन खिलजी लालच देता है। लालच क्या देता है? लालच ये देता है कि अगर तू मेरी तरफ आ जाता है और दुर्ग के गुप्त रास्ते बता देता है, तो इस दुर्ग को विजित करने के बाद में ये दुर्ग तेरे को दे दिया जाएगा। याद रखना है मित्रों, मैं क्या कह रहा हूं, रतिपाल रणमल इन दोनों ने विश्वासघात किया। किसके साथ किया? इन दोनों ने विश्वासघात किया हमीर देव चौहान के साथ। और किसकी तरफ जाके मिल गए? अलाउद्दीन खिलजी की तरफ जाके मिल गए। जैसे ही विश्वासघात करता है अलाउद्दीन खिलजी, गुप्त मार्ग से रणथंभौर पर क्या कर देता है मित्रों? रणथंभौर पर आक्रमण कर देता है। चूंकि ये बात तो पहले ही पता है, खाद्यान्न का संकट हो गया था, एक साल हो गई थी, और खाद्यान्न के संकट में एक सुरजन साह नाम का व्यक्ति था। उस सुरजन साह नाम के व्यक्ति ने क्या किया मित्रों? सुरजन साह ने खाद्यान्न में हड्डियों का चूरा मिला दिया। खाद्यान्न में हड्डियों का चूरा मिलाया, यानी कहने का मतलब जो बचा खुचा था उस बचे खुचे को भी इसने भ्रष्ट कर दिया। और करने का मतलब अब खाद्यान्न समाप्त हो गए। अमीर खुसरो तो यहां तक लिखता है अपने खजाइन उल फतवा में कि दो सोने के दाने के बराबर एक चावल का दाना भी दुर्ग के अंदर नहीं था। यानी खाद्यान्न का इतना बड़ा संकट आ गया कि अगर आप दो सोने के दाने देते हैं तो भी एक चावल का दाना नहीं मिलता। कहने का मतलब आप यूं समझिएगा, खाद्यान्न बिल्कुल खत्म था, चारों तरफ से घिर चुके थे, गुप्त रास्ता रणमल और रतिपाल के द्वारा बताया जा चुका था। अब कोई उपाय नहीं था हमीर देव के पास। हमीर देव है ये यहां पे मित्रों क्या करते हैं, आक्रमण हुआ तो हमीर देव ने केसरिया किया। केसरिया वह रानी रंग देवी ने जोहर किया। और मित्रों ये जोहर कोई अग्नि जोहर नहीं था, ये जल जोहर था। इसके पुत्री पद्मला ने भी जोहर किया। याद रखना है ये 1301 ईस्वी के अंदर ये यहां पे क्या होता है मित्रों? साका होता है। और 13 जुलाई 1301 ईस्वी को यहां किसका अधिकार हो जाता है? यहां अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार होता है। लड़ते हुए वीर पुरुष थे, उन्होंने केसरिया कर लिया और महिलाओं ने आपका जोहर किया। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी है यहां पे आक्रमण करके इस दुर्ग को जीतता है, वैसे ही एक बात कहता है, मंदिरों को तुड़वा देता है और कहता है कि आज कुप्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। प्रश्न आ सकता है साथियों कि कौन से दुर्ग के पतन के बाद में यह कहा गया था कि आज कुप्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया? तो आपका उत्तर आएगा ये रणथंभौर दुर्ग के पतन के बाद। कितनी तारीख को रणथंभौर का पतन हुआ? 11 जुलाई 1301 को। और यहां विश्वासघात कौन करते हैं? रणमल और रतिपाल करते हैं, सुरजन साह करता है। युद्ध हो गया। युद्ध के बाद में मित्रों रणमल रतिपाल को सामने लाया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के, और तुरंत उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। क्यों? अलाउद्दीन खिलजी कहता है जब आप अपने धर्म के शासक के नहीं हुए, आपके धर्म का शासक आपका राजा, आपका हिंदू राजा, जब आप उसके नहीं बन सके तो मेरे नहीं बन सकते, और दोनों का सिर कलम करवा दिया जाता है। यानी इन्होंने विश्वासघात किया था अपने राजा के साथ, उसका बदला इनको मिल जाता है, और दोनों को दुर्ग तो काहे का देना था, मरवा दिया जाता है।
इसके बाद घायल अवस्था में जो मंगोल भाग के आया था, मैंने मंगोलों के नाम बताए थे मोहम्मद शाह के ब्रू का, जब मोहम्मद शाह को घायल अवस्था में अलाउद्दीन खिलजी के सामने लाया जाता, अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि अगर मैं तेरे को जीवन दान दे देता हूं, अगर मैं तेरा इलाज करवा देता हूं तो तू क्या करेगा। मोहम्मद शाह अपनी जान की परवाह किए बिना कहता है कि जैसे ही मुझे जीवन दान मिलेगा सबसे पहले मैं तुझे मारूंगा और उसके बाद में जो हमारे राजा हमीरदेव चौहान है जिन्होंने हमें शरण दी उनके किसी वंशज को राजगद्दी पे बिठाऊंगा। इस प्रकार से हमीरदेव चौहान जो अपनी हट के कारण जो मंगोल विद्रोही आए थे विद्रोह करके उनको शरण दी, उनको वापस नहीं लौटा। अलाउद्दीन खिलजी ने काफी बार कहा कि मुझे मेरे जो विद्रोही है वो लौटा दीजिए, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमीर तो जाना ही किसके लिए जाता था, हट के लिए। ग्रंथों में लिखा है कि हमीर ने अपने 16 युद्ध जीते थे, लास्ट 17वां युद्ध ये हमीर नहीं जीत पाए। इस प्रकार से आज अपन ने देखा कि तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। कैसे लगी आपको क्लास? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।